आज हम आपको बताएंगे घर पे कैसे बाइक की सर्विस करें, यामा FZ और फेजर की। सबसे पहले आपको ऑयल नट को ओपन करना पड़ेगा, जो कि आप किसी प्लास की मदद से इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद इसको साइड में रख दीजिए। इसमें ये जो ऑयल है, ये भी आप चेक कर सकते हैं इसमें कितना गेज रहता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसे आप चेक कर सकते हैं ऑयल सही है या ख़राब है, और इसका लेवल भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। इस नट को खोलने के बाद हम चलेंगे नीचे इंजन के, जो कि यहाँ पे एक ये वाला नट है, इसको आपको ओपन करना रहेगा। और इसको ओपन करते ही ऑयल निकलने लगेगा, जो कि आपको किसी कंटेनर में, वेस्ट कंटेनर में डाल देना है। ये नट खोलने के बाद अब इसमें से ये पूरा ऑयल ड्रेन कर लेना है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक वाइसर भी रहता है, वो आपको निकाल लेना है, ऐसे नहीं कि ऑयल में मिक्स हो जाए जाके। इसको ऑयल को बिल्कुल अच्छे से निकाल दीजिए, बिल्कुल ही ड्रेन हो जाने दीजिए। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, ताकि ये पूरी तरह अच्छे से ऑयल इसका निकल जाए। ये देखिए, कंटेनर भर चुका है, अभी भी ऑयल आ रहा है। बाइक को थोड़ा हिला दीजिए, ताकि ऑयल पूरी तरह से इसका निकल जाए। और थोड़ी देर के लिए इसको, हो सके तो आप छोड़ दीजिए, ताकि पूरा ऑयल इसका बाहर आ जाए। इसके बाद हम जब तक ये ऑयल बाहर निकल रहा है, इसके बाद हम जब तक इस एयर ऑयल फिल्टर के लिए हम इस कैप को ओपन करेंगे, जिसके लिए हमें 3 बोल्ट ओपन करने पड़ेंगे इस तरह से। ये जो नट हैं, इनको ध्यान से देखिए, एक नट छोटा है जो कि ये है ऊपर वाला, राइट हैंड साइड वाला बड़ा नट है लंबा। और ये तीसरा नट मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, इधर से भी ऑयल निकलेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ जी, और ये जो नट है, ये बाहर आ चुका है, जो कि छोटा है। एक बड़ा नट है जो कि आगे वाली साइड लगता है यहाँ पे, तो नट लगाते समय ध्यान रखिएगा वापस। और ये देखिए, ये एक फिल्टर रहता है इसमें, जो कि ऑयल फिल्टर करता है। अब हम ऑयल डालने से पहले इसको साफ करेंगे, साफ कपड़ा लेके,
और ये फिल्टर को चेंज करेंगे। ये देखिए पूरा काला पड़ चुका है, नया फिल्टर जो कि इस प्रकार का रहता है बिल्कुल। हर सर्विस के टाइम ऑयल फिल्टर चेंज करना भी जरूरी है ऑयल के साथ। ये देखिए ये अंदर से कुछ इस तरह का रहता है फिल्टर निकालने के बाद। हमें इसको भी साफ करना होगा बढ़िया साफ कपड़े से। और ये देखिए ऑयल अभी भी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, और ये वाइसर भी इसका निकल चुका है जो कि ऑयल के अंदर जा चुका है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। इस नट को कसने के लिए बिल्कुल आराम से कसिए, ज़्यादा इसमें जोर लगाएंगे तो हो सकता है आपका इंजन में ये नट खराब हो जाए, फिर आपको भारी नुकसान भरना पड़ सकता है। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है बिल्कुल साफ कपड़ा लेके, और नीचे से भी इसको क्लीन कर चुके हैं, बट ऑयल अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जितना हो सके आप निकाल दीजिए। उसके बाद हमें इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। देखिए इसमें ऑयल है, इस तरह हमें इसको क्लीन कर लेना है। इसका जो भी ऑयल है कहीं से कुछ भी आपको इसको नहीं करना है, इसके अंदर एक ये रबड़ रहती है जो लगे रहने देना है, इसको कुछ मत छेड़िए। ये देखिए ये हमने क्लीन कर लिया है बिल्कुल ही, अब इसमें नया ऑयल फिल्टर लगा रहे हैं इस तरह से। उसके बाद ये भी हमने क्लीन कर लिया है जैसा आप देख पा रहे हैं, और इसको हम एज इट इज वापस फिक्स कर देते हैं इस तरीके से। ये जो बड़ा नट मैंने आपको बताया था आगे वाले में, उसके बाद दोनों नट पीछे, तीनों नटों को वन बाय वन टाइट करिए एक साथ, एक टाइट होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक नट को टाइट कर दें और दो नट बाद में टाइट करें, इससे क्या रहेगा फिक्स सही नहीं बैठेगा, फिर ऑयल बनने के चांसेस रह सकते हैं। जैसे ये हमने थोड़ा सा टाइट किया, फिर हमने थोड़ा सा इसको किया, फिर हमने थोड़ा इसको किया, उसके बाद वन और ये टू और ये थ्री, फिर थोड़ा सा फुल आप टाइट कर सकते हैं। ये हमारा फिल्टर लग गया। फोकस कर ले पहले इसमें। तो ये देखिए ये रहा इसका बोल्ट माई मीन नट, और ये इसका वाइसर। वाइसर एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर वाइसर क्रैक है या आड़ा टेढ़ा है तो चेंज कर लीजिए, अदरवाइज सही है तो आप इसको लगा के वापस टाइट कर लीजिए। ऑयल हमारा निकल चुका है जो कि ये रहा। उसके बाद ये हम अपना वाइसर के साथ लगाना जरूरी है, और इसको अच्छे से टाइट कर दीजिएगा। अगर आपके पास विंच है विंच नहीं तो 12 नंबर का ये फाना लेके टाइट हो जाएगा।
तो ये हमारा नट टाइट हो चुका है बिल्कुल क्लीन तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये अपना ऑयल फिल्टर जो कि अपन ने लगा दिया है। अब यहाँ से हम ऑयल डालेंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑयल के बारे में। वैसे तो इसमें यामा कंपनी में आप सर्विस कराने जाएंगे तो यामा ल्यूब का ऑयल डलता है 10W40, बट आज हम इसमें डालेंगे मोटुल का। जी हाँ, मोटुल का 10W40 टेक्नो सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक ऑयल है ये। 5100 इसका मॉडल नंबर है। इसका रिजल्ट रिव्यू बहुत अच्छा आने की वजह से हम इसको अपने बाइक में ट्राई करेंगे आज। ये देखिए इस इंजन ऑयल के बॉक्स को ओपन करने का सही तरीका। यहाँ से हम इसको ऐसे ऊपर करेंगे और ये पकड़ेंगे और यहाँ से ये सील इसका ऐसा आ जाएगा। और इधर ये हम ओपन कर देते हैं। एक सील इसमें अंदर और रहेगा जो कि ओरिजिनल की आपकी श्योरिटी रहेगी कि ये ओरिजिनल ही इंजन ऑयल है। ये देखिए, नहीं था तो हमने इसका यूज़ किया है, हैंडमेड इंडियन जुगाड़। ये देखिए, अब इसमें ऑयल डालते हुए ये जा रहा है, बट ये थोड़ा सा फैल रहा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही, बट चलेगा। धीरे धीरे इसको हम रिफिल करेंगे। इंजन का टॉपअप हो रहा है। याद रखिए, कुछ भी लगाते हैं आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, चाहे वो कार्टून हो या कुछ प्लास्टिक हो, ताकि इंजन के अंदर कुछ भी डर्ट पार्टिकल ना जा सके। इसी के साथ हमने पूरा इंजन ऑयल डाल दिया है। जी हाँ, 1 लीटर पूरा इंजन ऑयल मोटर। डालने के बाद एक बार ये गेज चेक कर लीजिए, यहाँ तक इसको पूरा निशान आना चाहिए। इसको ऐसे लगा के वापस ओपन करके देख लीजिए, ये हमारा ऑयल रिफिल बराबर हो चुका है। ज़्यादा ऑयल इसमें ना डालें, नहीं तो इंजन में नुकसान हो सकता है। ऑयल को बराबर ही गेज के अकॉर्डिंग रखें। और ये हमारा इंजन ऑयल प्लस ऑयल फिल्टर चेंज हो चुका है। इसके बाद हम इसका एयर फिल्टर चेक करेंगे। अगर वो साफ है तो हम उसको लगा देंगे, अदरवाइज वापस हम उसको रिप्लेस करेंगे अगर वो ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। हम एयर फिल्टर ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ जो लॉक दिया रहता है, इससे हम ये अपनी रियर सीट ओपन कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी रियर सीट ओपन हो चुकी है।
उसके बाद ये दो स्क्रू हमें खोलने होंगे 10 नंबर में। ये देखिए, ये हमारी सीट हमने यहाँ से ओपन करी ऐसे, ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद। और ये फिर साइड पैनल की बारी, और इस साइड पैनल को ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये दो स्क्रू खोलने के बाद हम इसको पहले यहाँ से और यहाँ से ऐसे ओपन कर देंगे, और इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे ताकि नीचे के जो लॉक हैं वो खुल जाएं। ये दो लॉक रहते हैं इसके विद कवर, ये इसमें अटैच रहते हैं। ये हमने इसको अलग कर दिया है ये पैनल। उसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये एक, दो, तीन, चार और ये पांच और ये छः, फिर स्क्रू खोलने के बाद हमारा जो फिल्टर है वो आपके सामने आ जाएगा। ये हम फाइनल स्क्रू खोलते हुए इसका और फिर इस एयर फिल्टर का कैप ये आ गया बाहर, और ये रहा हमारा एयर फिल्टर जो कि हम इसे सीधे तरीके से बाहर निकालेंगे। और ये हमारा एयर फिल्टर साफ है, इसको कुछ ना करेंगे, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, या आपका नज़दीक में कोई एयर प्रेशर वाला हो जो हवा भरने वाला पंचर वाला, उससे आप इसमें थोड़ी सी हवा लगवा के क्लीन करके वापस लगा सकते हैं। अगर ये ज़्यादा डार्क या गंदा आपको नज़र आए तो आपकी तो ही आप इसे रिप्लेस करें, अदरवाइज ये आपका फिल्टर एज इट इज़ होना चाहिए। तो हम अपना ये फिल्टर का बॉक्स पूरा अंदर से साफ कर चुके हैं, थोड़ी बहुत जो डस्ट थी उसको भी हम निकाल चुके हैं। इसका फिल्टर वैसे भी मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया था, इसलिए ज़्यादा गंदा नहीं था। अब हम अपना फिल्टर एज इट इज वापस इसमें अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा साइड और थोड़ा पतला सा हल्का, इसको हम ऐसे ही लॉक में अटैच फंसा के स्लाइड कर देंगे। और ये हमारा फिल्टर वापस लग गया है। ध्यान रखिएगा मैट वाली साइड अंदर को और ये बाहर से येलो वाला जो पेपर है ये इस साइड होना चाहिए। उसके बाद हम अपना कैप क्लीन करके थोड़ा सा वापस पैक कर देंगे, और इसी के साथ हमारी बाइक की सर्विस कंप्लीट हो गई।